हेलो साथियों, वीके स्टडी पर फाम आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल कुशवाहा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें छः सवाल को क्वेश्चन दिए, छः मतलब छः उसमें सॉल्व करने के लिए दिया था। तो दोस्तों, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का 3, 4 और 5, तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वीडियो आप मिस ना करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 3x/4 6x³ - 2x² - 2x² - 10x -5 दिया है और कह रहा है कि इतने के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य, इसका दो शून्य दे दिया है। पहला दिया है √5/3, पहला शून्य, और दूसरा शून्य दिया है −√5/3। तो दोस्तों, कह रहा है कि 3x/4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 का दो शून्य का अगर √5/3 और −√5/3 हो, तो कह रहा है कि इसके अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जो संभव हो सके। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये इसके शून्य है, तो यह अगर शून्य है तो ए एक्स प्लस √5/3 और एक्स माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस √5/3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये मान लीजिए पी एक्स है, इतना और इतना पी एक्स के गुणन खंड होंगे, इतना इतना पी एक्स के गुणनखंड होंगे। आप सुनने को पता है तो इतना एक्स प्लस कर देंगे प्लस के साथ, और एक्स को माइनस कर देंगे माइनस के साथ, तो फिर इसके गुणनखंड हो जाएंगे। जब इसके अगर गुणनखंड होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जब इसके गुणनखंड होंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो +√5/3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स −√5/3, तो हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी आ गया। फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a² - b², तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह क्या है √5/3 है। तो a² - b² करेंगे तो a² की जगह x² - b की जगह क्या करेंगे √5/3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5/3, ये आपका gx हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि पी एक्स अगर इसके दो पी एक्स दिया है, उसके दो शून्य का √5/3 और −√5/3 दे दिया है, तो हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा एक्स प्लस √5/3, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स के साथ पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और ये निगेटिव तो एक्स के साथ माइनस हो जाएगा। तो एक्स −√5/3 इसके दो गुणनखंड हो गए, किसके पी एक्स के। और जब इसके दो गुणनखंड हो गए तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणनखंड है तो मल्टीप्लाई होता ही है। दोस्तों जैसे देखिए, 12 का गुणनखंड लिखते हैं तो 2 × 3 × 2 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके गुणनखंड में, तो इस तरह इनके गुणनखंड को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणनखंड को, तो इनको हम एक जो मान प्राप्त होगा ये जी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे पी एक्स रहने देते हैं, इसको हम इरेजर करते हैं। दोस्तों की आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ से हम इसको इरेजर करके ये दो शून्य हटा देते हैं, आपका मान जी एक्स आ गया x² - 5/3, ये जी एक्स आपका आ गया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, x² - 5/3 को जब डिवाइड करेंगे
3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 को जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3x³ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 3x⁴ से जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3x⁴ - 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a⁻ / n अगर हो तो a⁻ - n होता है। 9th में आप पढ़े होंगे तो जब पावर डिवाइड किया जाता है तो पावर बेस सेम हो डिवाइड किया तो पावर माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x² इससे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x⁴, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जब देखिए 5/3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x² बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस बचेगा, तो इसमें -5x² स्क्वायर की जगह रखिए -5x² आ जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो जब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 6x³ प्लस के साथ 6x³। अब दोस्तों यहाँ पे 6x³ लिख दीजिए और ये हो जाएगा, देखिए प्लस है ये माइनस है तो प्लस 3x² जो है 5 में से जब 3 - 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे -10x और -5 लिख देंगे। अब देखिए 6x³ को डिवाइड करेंगे x² से, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6x बचेगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे 3 है तो एक पावर बचेगा तो पावर हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे 6x³ हो जाएगा। अब देखिए 5/3 × 6x जब करेंगे तो 3×2 = 6 हो जाएगा, 5 × 2x = 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -10x, x⁻ है यहाँ पे x⁻ है इसके सामने लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखिए माइनस प्लस है माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x² - 5, ये आपका बच्चा। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 3x² को हम x² से जब डिवाइड करेंगे तो x² से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम +3 करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x², और जब हम दोस्तों 5/3 × 3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे माइनस है तो -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5/3, देखिए प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, कैंसिल, रिमाइंडर आपका शून्य आ गया, रिमाइंडर शून्य आ गया, तो इससे पता चलता है कि जो ये जी एक्स है, ये रिमाइंडर जब शून्य आएगा तो इससे पता चलता है कि जी एक्स x² - 5 / 3 पी एक्स का क्या है गुणनखंड का, जिसके बारे में बताया था जब रिमाइंडर शून्य आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, इसी तरह ये जी एक्स की एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3x⁴ और +6x³ - 2x + 6 को हम पी एक्स लिखते हैं, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा दोस्तों, एक गुणनखंड तो ये है तो x² - 5/3 और एक गुणनखंड आपका ये आ गया, तो हो जाएगा 3x² + 6x + 3। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² - 5/3 और यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, 2x बचेगा, +1 बचेगा, x² बचा, 2x बचा, +1 बचा। यहाँ से कॉमन नहीं लीजिए, चलिए हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3x² + 6x + 3 जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका गुणनखंड करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, इसका इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, और जब 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा, तो इसको हम प्लस जब करेंगे तोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं x² - 5/3, और जब इसको तोड़ेंगे तो 3x² + 3x + 3x + यहाँ पे हो जाएगा 3, अब दोस्तों x² - 5/3 है। अब यहाँ से आप 3 कॉमन जब ले लेंगे, 3 जब यहाँ से आप कॉमन लीजिए या इसमें कीजिए 3x, इसमें कॉमन लीजिए तो x + 1 ये बचेगा, और इसमें इसमें जब 3 कॉमन लेंगे +3 जब कॉमन लेंगे तो x + 1 इसमें बचेगा, तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको हम इसी को हम इरेजर कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे x² - 5/3 और ये होगा एक ब्रैकेट में 3 + x + 1 है तो x + 1 हो जाएगा,
और एक ब्रैकेट में थ्री 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 एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपन थ्री हो जाएगा, और यहाँ से हम थ्री जब कॉमन लेंगे तो थ्री हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसके दो गुणनखंड हो गए, यहाँ पे थ्री लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपन थ्री, और यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। जब इसका गुणनखंड ज्ञात करना होता है तो एक्स प्लस वन इक्वल जीरो करेंगे तो माइनस वन आएगा, और एक्स प्लस वन इक्वल जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस वन। तो दो गुणनखंड माइनस वन और माइनस वन ज्ञात हो गगया। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम इरेजर करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यक, वो एक तो दिया था अंडर रूट फाइव अपान थ्री, और एक दिया था माइनस अंडर रूट फाइव अपान थ्री, और यहाँ से ज्ञात हो गया, दो ज्ञात हो गया माइनस वन और माइनस वन। तो शून्यक शून्य के जो संभव गुणन शून्यक हैं, जो पी एक्स के संभव शून्यक हैं, वो इतना ज्ञात हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा है चौथे नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पी एक्स बराबर दे दिया है, पी एक्स बराबर दिया है दोस्तों क्या, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तो भागफल हो जाएगा क्यू एक्स, भागफल क्यू एक्स दिया है एक्स माइनस टू, और शेषफल आर एक्स आपका दिया है, आर एक्स दे दिया है दोस्तों माइनस टू एक्स प्लस फोर। आपको एक फार्मूला कल एल्गो विभाजन एल्गोरिथम के विधि से फार्मूला कल आपको हम बताए थे कि पी एक्स इक्वल होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मतलब जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे आपको ये फार्मूला बताए थे कल, पी एक्स इक्वल जी एक्स माइनस के, तो इसको हम लिख सकते भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हो जाएगा भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ से जी एक्स आप ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जी एक्स क्या कर रहा है पूछ रहा है, यहाँ पे आप जी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको इस फार्मूले में रखिए, पी एक्स का मान रखिए, पी एक्स इक्वल दे दिया है, इसको रखिए एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब जी एक्स आने दीजिए, जी एक्स ज्ञात करना है, क्यू एक्स आपका क्या दिया है, यहाँ से इसको इरेजर कर दीजिए, क्यू एक्स दिया है एक्स माइनस टू, अब प्लस माइनस टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये माइनस है इस यहाँ पे, अब हो जाएगा जी एक्स एक्स माइनस टू, और ये माइनस टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा। जब इसको इधर करेंगे तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इधर आएगा तो प्लस टू एक्स, और प्लस है तो माइनस फोर हो जाएगा इक्वल जी एक्स एक्स माइनस टू हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स है और एक्स है तो प्लस थ्री एक्स, ये टू है माइनस है तो माइनस टू, और ये हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे जी एक्स इक्वल आप ज्ञात कर सकते हैं एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू से पी एक्स में आप भाग दे दीजिए, यहाँ पे आइए हम इसको इरेजर करते हैं।
एक्स माइनस टू से हमको डिवाइड करना है, एक्स माइनस टू से हमको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, और जब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा। ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्स क्यूब से इसमें डिवाइड किए तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर आते स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइ जब इसमें मल्टीप्लाई करते माइनस टू एक्स प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल, और ये दुखिए दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब फिर एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू एक्स, तो इसका जब वो करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल, यहाँ पर एक्स बच जाएगा माइनस टू। एक्स से जब एक्स में डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस वन लिखेंगे, वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल आपका जीरो आ जाएगा। तो और यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना था, जी एक्स ज्ञात करना था, जी एक्स यहाँ पता चल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। पहले दोस्तों हम क्या किए हैं, पहले हम किए हैं पी एक्स इक्वल होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स से, उसको हम ज्ञात किए हैं। इसमें जो जो दिया था मान पी एक्स दिया था, क्यू एक्स दिया था, आर एक्स दिया था, हम ज्ञात कर लिए हैं, उसको लेकर इधर माइनस कर दिए हैं, और माइनस करने पर इतना आ गया, और इसमें से जब टू से डिवाइड करेंगे तो जी एक्स ज्ञात हो जाएगा, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जी एक्स ज्ञात हो गया। आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव पे, वो देखते हैं क्या कह रहा है। फाइव कह रहा है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, और हो तथा, इसमें तथा करके पहला देख दिया है घात पावर पी एक्स इक्वल घात क्यू एक्स। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि पी एक्स की घात क्यू एक्स के बराबर तब होगा जब यहाँ पे भाज्य मतलब जी एक्स अचर पद हो। यहाँ पे पी एक्स की घात क्यू एक्स के बराबर तब होगा जब भाजक जो जी एक्स है वो क्या हो, अचर पद हो। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लेंगे पी एक्स इक्वल, यहाँ की एग्जाम्पल हो जाएगा पी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे हम जी एक्स ले लेंगे थ्री। अब इस थ्री ले लिए, यहाँ पे कह रहा है कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर होते हैं, यहाँ पे जी एक्स मिल गया, पी एक्स मिल गया, जब जी एक्स से थ्री से हम जब इसको डिवाइड कर देंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, तो इससे हम डिवाइड करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर अपन थ्री, जब करेंगे थ्री थ्री कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स उतारेंगे, और यहाँ पे माइनस जब सिक्स एक्स का अपन डिवाइड करेंगे तो थ्री टू या सिक्स थ्री टू एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, रिमाइंडर फाइव बच गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको क्यू एक्स भी पता चल गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, क्यू एक्स की पावर भी टू है, और यहाँ पे पी एक्स की पावर भी टू है, इसलिए घात पी एक्स इक्वल क्यू एक्स यहाँ पे इक्वल है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स इक्वल क्यू एक्स, यहाँ पे घात पी एक्स इक्वल घात क्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे घात पावर टू है, यहाँ पे भी पावर टू है, इसके बहुपद की घात टू है, इसके बहुपद की घात भी टू है, तो इसलिए आप अब ऐसे पूछे दोस्तों कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर कब होंगे, तो इसे आपको पता कर लेना होगा कि घात पी एक्स और क्यू एक्स बराबर तब होते हैं जब भाजक जी एक्स क्या अचर पद हो, यहाँ पे देखिए जी एक्स अचर पद माने। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें दूसरा पूछ रहा है, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, मतलब यहाँ पे घात क्यू एक्स घात भागफल का जो भागफल जो आएगा उसका घात और जो शेषफल आएगा उसकी घात दोनों क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पे हम माना मानेंगे पी एक्स बराबर
टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। यहाँ पर हम ये मान लेंगे पी एक्स इस दोनों की पावर देखिए सेम माने हैं, पावर हम जब सबसे बड़ी घात इसकी भी टू है इसकी भी घात टू है, बहुपदी घात टू है दोनों की। अब हम जी एक्स से जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन से जब हम डिवाइड करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो जब इसमें एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर में जब हम इसके साथ डिवाइड कर जाएगा तो टू आएगा, तो यहाँ पर टू लिखेंगे, टू आ गया यहाँ पर टू लिखेंगे, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। जब इससे इसमें डिवाइड इससे इसमें मल्ट करेंगे तो माइनस फोर एक्स और इससे इसमें करेंगे तो प्लस टू, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, वन आपका रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे देखिए वन आपका रिमाइंडर आ गया और यहाँ पे देखिए कि क्यू एक्स बराबर भी टू है और आर एक्स बराबर वन है, मतलब क्यू एक्स की पावर भी शून्य है और आर एक्स की पावर भी शून्य है, अचर पद है तो पावर भी शून्य है, दोनों की पावर क्या है दोस्तों शून्य है, इसलिए यहाँ पे जो घात है क्यू एक्स की आर एक्स की घात भी बराबर हो जाएगी। ऐसे दोस्तों आपको मान लेना है कि दोनों की मान क्या है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री मानेंगे और जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन मानेंगे, आपको दिक्कत होगी तो पी एक्स हो जाएगा और आर एक्स आपका दोनों की पावर सेम आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए अचर पद है यहाँ पे अचर पद इनकी पावर दोनों की शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है घात आर एक्स बराबर शून्य हो, घात आर एक्स बराबर शून्य हो तो पी एक्स इक्वल फिर मानेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री और जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। जब जी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री आएगा, जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो टू जाएगा, तो टू से इसमें मल्टीप्लाई करें टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, वहाँ पे वन आ गया। यहाँ पे देखिए आर एक्स इक्वल वन आ गया और आर एक्स वन है अचर पद, वन पर अचर पद जो होता है उसका मान शून्य होता है, उसकी घात जो होती है वो शून्य होता है, तो यहाँ पे आर एक्स बराबर वन आया है, शेषफल वन आया था, घात आर एक्स बराबर शून्य हो गया। दोस्तों की आपको आई होप कि आपके समझ में आया होगा, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया समझाने के लिए, अगर फिर भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।